होने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर यहां पर है। 20 नवंबर को मतदान होने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। केदारनाथ उपचुनाव का अखाड़ा, बीजेपी ने आशा नौटियाल को मैदान में उतारा। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर। केदारनाथ उपचुनाव की वोटिंग के लिए अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों केदारनाथ सीट पर परचम लहराने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाए हुए हैं। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, बीजेपी और कांग्रेस ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूर्व विधायक आशा नौटियाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। देखिए रुझान तो आप देख ही रहे हैं, लोग एक जन सैलाब के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और विकास को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ रहे हैं। हाँ, जन सैलाब जो आप देख रहे हैं, इससे लगता है कि केदारनाथ की जनता एक तरफा वोट करने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आशा नौटियाल के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब तक कई बार विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर चुके हैं। वहीं उन्होंने डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर दी। वहीं विधायक शक्तिलाल शाह भी प्रचार प्रसार में जुटे हैं। लगातार इस क्षेत्र का विकास बढ़ रहा है, अनवरत रूप से विकास हो रहा है पूरे केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में। जिस प्रकार से माताएं, बहनें, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, सैनिक, हमारे पूर्व सैनिक सब आकर समर्थन कर रहे हैं, तो मुझे निश्चित रूप से, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमको आशीर्वाद मिल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी के कामों का आशीर्वाद मिल रहा है और ये सीट हम बहुत ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। अब इनकी वो जो मीठी मीठी बातों में, इनके मीठे मीठे पल्लोबन देने वाली बातों में अब हमारा समाज फंसने वाला नहीं है। हमारा समाज विकास को वोट कर रहा, हमारा समाज विकास को वोट कर रहा, हमारा समाज विश्वास को वोट कर रहा। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में 14,000 से ज्यादा दलित वोटर हैं। ऐसे में बीजेपी जानती है कि अगर दलित वोट साथ होगा तो जीत पक्की होगी। ये महिलाओं का दुख दर्द समझती हैं, फिर मैडम पहाड़ की रहने वाली हैं, वो हमारी सारी भावनाओं को समझती हैं, दुख को समझते हैं कि पहाड़ का जनजीवन कैसा है, क्या करना चाहिए। या हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ जो हम यहाँ पर आ रखे हैं, यहाँ जो आशा जी नौटियाल जी हैं, हम उनको साथ हमेशा साथ देंगे। केदारनाथ सीट पर बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। 20 नवंबर को मतदान होना है। अब देखना होगा कि केदारनाथ सीट पर किसके सिर जीत का ताज होगा और किसे करारी हार मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब देहरादून।